कैसे हो बच्चों? बच्चों हम सब ने गिनती की हुई है ना? आज हम इंग्लिश में गिनती करेंगे। इंग्लिश में गिनती कैसे होती है? इंग्लिश में सुनिए कभी, वन टू। अच्छा, जब हम मैथ में करते हैं तब तो हम ऐसे लिखते हैं, एक दो तीन। इंग्लिश में हम बोलते हैं तो वन टू, पर उस पर लिखते कैसे हैं? आज हम वही सीखेंगे। उसे कहते हैं नंबर नेम। क्या कहते हैं? नंबर नेम। देखो, वन या एक जो आप कहते हो, वन ओ एन ई, वन। वन क्या चीज होती है? नोज। हमारी नाक एक है ना, वन। वन नोज हमारी कितनी नोज है? वन नोज। आगे है टू। टू दो, टू। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे नंबर नेम्स? टू, टी डब्ल्यू ओ टू। और टू कौन कौन सी चीजें होती हैं? टू ईयर्स, टू आईज, टू हैंड्स, टू आर्म्स, टू लेग्स। उसके बाद मैंने लिखा तीन। तीन को कैसे लिखेंगे हम इंग्लिश में? थ्री। क्या लिखेंगे? थ्री। कैसे? टी एच आर डबल ई। दो ई लिखा तो डबल ई। थ्री क्या होते हैं? थ्री क्या क्या चीजें होती हैं? जो थ्री ही होती है हमेशा। रिक्शा के पहिए तीन। रिक्शा जो चलती है उसके तीन पहिए होते हैं। ऑटो के भी, ऑटो रिक्शा के, रिक्शा के तीन पहिए, एक आगे दो पीछे। एक हम ये त्रिभुज बनाते हैं, देखो त्रिभुज के तीन कोने, एक दो तीन। त्रिभुज की तीन बाजू, एक दो तीन। तो ये क्या है? थ्री। क्या है? थ्री। अब मैंने लिखा चार। चार को इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? फोर। एफ ओ यू आर, फोर। फोर, फोर क्या चीज होती है? जो हमेशा फोर ही होती है। हमारी कितनी टांगे हैं? दो। गाय की कितनी टांगे हैं? चार। तो गाय की कितनी लेग्स हुई? फोर। डॉग की कितनी लेग्स हुई? फोर। गोट की कितनी लेग्स हुई? फोर। तो जितने भी ये जानवर हैं इनकी फोर लेग्स होती हैं। अब हम लिखेंगे पांच। पांच को हम इंग्लिश में लिखते हैं फाइव। एफ आई बी ई, फाइव। फाइव क्या चीज होती है? हमारे हाथ की उंगलियां। वन, अब हमने यहां से किया ना, इसी में ही गिनेंगे। अब एक दो नहीं, वन टू से नंबर नेम्स गिनेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। इसके बाद मैंने लिखा छह। छह को क्या लिखते हैं हम इंग्लिश में? सिक्स। एस आई एक्स, सिक्स। और S I X, six। six क्या होता है? मक्खी। मक्खी जो घर में घूमती है उसकी लेग्स होती हैं six। मक्खी की टांगें कितनी होती हैं? छह। कभी तुमने भी गिनी होगी खेलते खेलते, कभी तुम्हारी बुक पर बैठ जाती है मक्खी, तो उसकी कितनी टांगें हैं? छह, six। सात, S E B E N, seven। सात को क्या बोलते हैं? seven। seven क्या होते हैं? अरे seven तो हमारे सप्ताह के दिन होते हैं। हमने किया था ना संडे से लेकर सैटरडे तक, सात दिन। सप्ताह में कितने दिन? सात दिन, seven days। कितने days? seven। अब लिखा हमने आठ।
ई आई जी एच पी। एट, आठ को क्या बोलते हैं? एट। और एट क्या होती है? एट होती है मकड़ी की टांगे। मकड़ी देखिए ना, जो जाला बुनती है घर में, मकड़ी की लेग्स होती है एट। नो, नो को हम लिखते हैं एन आई एन ई। नाइन, नाइन क्या होते हैं? नवरात्रि। जब माता के नवरात्रि आते हैं, सब व्रत भी रखते हैं, अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन होता है ना, नवरात्रि के दिन। नो, नाइन डेज। नवरात्रि में कितने डेज? नाइन डेज। अब लास्ट में हम लिखेंगे टेन, दस। और दस को बोलेंगे हम नंबर नेम्स में टेन। अब टेन क्या क्या चीजें होती हैं? टेन हमारे दोनों हाथों में, दस उंगलियां, टेन फिंगर्स। कितनी है? टेन फिंगर्स। हमने पोएम भी की थी, टेन लिटल फिंगर्स टेन लिटल टोज। टोज मतलब पैरों की उंगलियां, वो भी टेन। और क्या टेन होता है? रावण के सिर टेन। रावण के दस ही होते हैं ना। तो कैसे लगा नंबर नेम्स? आज आपने इसकी स्पेलिंग भी याद करनी है और 1 to 10 तक ये अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ओके, बाय।